चले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, कि जब वो बिस्तर पर सोते थे तो क्या होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिस्तर पर सोने के लिए जाते तो नींद ही उड़ जाती। मैं उनसे पूछती, ए अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का खलीफा बनाया गया है। इस उम्मत में मज़लूम भी हैं, यतीम भी हैं, गरीब भी हैं, मस्कीन भी हैं, और इन सब का हक मुझ पर है। अगर अल्लाह ने मुझे इनसे हक के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। और मैं इस चीज़ से भी डरता हूँ कि अगर दजला के दूर दराज इलाके में कोई घोड़ी या जानवर को ठोकर लागे तो अल्लाह मुझसे पूछेंगे, ऐ उमर तूने इस रास्ते को साफ क्यों ना किया। हज़रत उमर फरमाते हैं, अपना मुआसबा किया करो इससे पहले कि तुम्हारा मुआसबा किया जाए, अपने अमाल को तोलते रहो इससे पहले कि तुम्हारे अमाल को तोले जाए। ऐ मोमनो, ऐ इंसानों, डरो अल्लाह से उस दिन की पेशी के लिए जिस दिन तुम्हारी एक भी बुराई जो है वो छुपी नहीं रहेगी। खौफे खुदा करो और अपने आप को लोगों के हुकूक़ की अदायगी के लिए तैयार करते रहो। आमीन सुम्मा आमीन।